नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइव इंडिया। न्यूज लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। आज बड़ी खबर उभर के आ रही है, लोगों को आने जाने में कितनी दिक्कतें हो रही हैं, अब आपको दिखा रहे हैं। ये ट्रैफिक अवरुद्ध है, यहाँ राजधानी मार्ग है, हाईवे मार्ग जिसे कहते हैं। यहाँ देखिए कितने दिक्कतों का सामना लोग कर रहे हैं। कब से भैया खड़े हैं आप? 10 मिनट। ये सिलसिला कब से चल रहा है? आपके पहले लोग आए होंगे, ऐसे ही भीड़ था? बाईपास निकल रहा है, नहीं ऐसे ही था, भीड़ ज़्यादा नहीं। जब आए तो आप बता दें, यशस्वी प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी को बता दें कि ये काम है रात में भी हो सकता है। ये देखिए यहाँ की व्यवस्था, यहाँ पे ये लोग, इनको कहाँ जाना है, कोई यहाँ मरीज होगा, कोई अस्वस्थ होगा, हर व्यक्ति का कुछ काम होगा, लेकिन यहाँ देखने पर यह लग रहा है कि ये काम रात में भी हो सकता है, लेकिन केंद्र सरकार, रेलवे सरकार द्वारा दिन में किया जा रहा है। अब उसके एक सज्जन व्यक्ति हैं, ये कहाँ जा रहे हैं और कब से यहाँ पर रहेंगे? जी कब से यहाँ पर? आधा घंटा हो गया। ऐसे लोगों को देखने पर कुछ न कुछ समस्या है, कहीं ना कहीं किसी को न किसी को जाना है, लेकिन यहाँ अवरुद्ध है, इनका कोई फिक्र नहीं है। मैं मोदी जी को, मुख्यमंत्री योगी जी को बता दूं कि यह दुर्व्यवस्था कब तक रहेगा। लोग होशियार हो गए हैं, लोग समझ गए हैं, सब बातें समझ रहे हैं, सब चाले समझ रहे हैं। अब इस ब्रेक के बाद ये आपको तस्वीर हम दिखाने जा रहे हैं। ये बस में करके यहाँ 50 लोग होंगे, किसी का न किसी का समस्या कुछ होगा। अब पूछते हैं, आप भैया कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जाना है, आप किस समस्या से जूझ रहे हैं जो अवरुद्ध यहाँ रास्ता होगा? भैया आइए, चलिए आप कहाँ से आ रहे हैं? आजमगढ़ से आ रहे हैं। आजमगढ़ जाना कहाँ है? रफाड़ा जाना। ये जो आप रुकावटें हैं, जिस बस में आप बैठे हैं, ये बस रुकी है कब से? आधा घंटा हो गया। आप प्रधानमंत्री योगी जी को मैं बता देना चाहता हूं कि अगर इस रास्ते से, ये हाईवे राजधानी रोड जिसे कहा जाता है, इस रोड से अगर एम्बुलेंस आ जाए, जिस एम्बुलेंस में जिस व्यक्ति का ये प्राण जाने वाला हो, फिर इस रास्ते से वह कैसे जा पाएगा जिसका इलाज हो? आप मुख्यमंत्री जी को बता दें कि ये कब तक चलेगा। लोग समझ गए हैं आपके बातों का, ऐसे अवरुद्ध रहता है, होता है, तो फिर ये लोग आपके बारे में क्या समझेंगे जब आप किसी के बारे में कुछ समझ ही नहीं रहे हैं। क्या नाम है? पार्वती। कहाँ जाना है? बलिया। कहाँ से आ रही हैं? अच्छा, ये समस्या को देख करके आप क्या कहना चाहती हैं, आप बता दीजिए चैनल के माध्यम से, क्या कहना चाहती हैं? बताइए, मैंने समस्या क्या है आपको? जाना है, लड़का पढ़ रहा है। अच्छा, ये कह रहे हैं कि हमको जाना है और इसमें बैठे हैं इसलिए कि ये सरकारी बस है, हमको बहुत तेजी से पहुंचा देगी, लेकिन यहाँ प्राइवेट बस से भी ये
खराब लग रहा है समस्या। एक बड़े सूझबूझ के चाचा जी हैं, इनसे पूरी बात बताएंगे और इनसे समझना चाहेंगे कि ये अवरुद्ध क्यों है और है तो कैसा है। चाचा नाम बता दें। जनार्दन प्रसाद मेरा नाम है जी। तो इसमें क्या बताना है, हम तो बैठे हैं। अच्छा चाचा, ये काम जो हो रहा है चैनल के माध्यम से लोगों को बता दी कि ये जो काम हो रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट का, ये रो है, जो है रेलवे का, ये तो रात में भी हो सकता है ना, दिन में? बिल्कुल रात में हो सकता है। फिर दिन में काहे हो रहा है? और दिन में भी हम क्या बताएंगे क्यों हो रहा है, ये परेशान करने के लिए हो रहा है। परेशान करने के लिए इस समस्या से आप देखिए, चाचा के पास इस ये फातिमा हॉस्पिटल का ये फाइल है। ये चाचा मरीज लगते होंगे या किसी मरीज को लेकर गए होंगे। अब इनको बड़ी समस्या है, क्यों चाचा? हॉस्पिटल गए थे ना? बिल्कुल। दवा कराने के लिए? अपने अपनी दवा कराने के लिए। फिर ये व्यक्ति अस्वस्थ हैं और जाने में इनको बड़ा विलम्ब होगा, रेस्ट करना होगा, तो फिर ये कैसे करेंगे? चैनल के माध्यम से ये बातें इसलिए बता रहे हैं कि जो अवरुद्धता हो रही है फिर ऐसा ना हो, जिस किसी भी व्यक्ति को अवरुद्धता या समस्या का सामना करना पड़े। यही बार हम लोग जब गए थे हॉस्पिटल ही गए, हल्लापुर वाला क्रॉसिंग में। हाँ, तो उस बार सरकार की कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, कभी भी तोड़ सकती है, कभी भी जाम कर सकती है। घूम करके बहुत खराब रास्ता था और आई थी और शाम हो गया एकदम। चैनल के माध्यम से बता दें कि ये जो लोग हैं, जितने भी लोग हैं, कहीं ना कहीं टैक्स देते होंगे। अब टैक्स देने का ये मिल रहा है इन लोगों को ये सजा, टैक्स देते हैं फिर सजा काटने के लिए भी ये तैयार है। आप कब तक ये चलेगा, टैक्स देते रहे और समस्या का सामना करते रहे? और बातें होंगी इस ब्रेक के बाद।